अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शाह किचन। आप सब कैसे हो? आज भी आपके लिए बहुत सिंपल सी रेसिपी लेकिन बहुत हेल्दी है। चलिए बनाते हैं मूंग का डोसा, हरी मूंग का डोसा। तो चलिए बनाते हैं। हरी मूंग के डोसे के लिए क्या क्या चाहिए बताती हूँ। यहाँ पर मैं हरी मूंग ली हूँ। मैं रात से इसे धोकर अच्छे से भिगो कर रख ली हूँ। ये रात से भीग कर है, अच्छे से भीग चुके हैं। हरी मूंग, यहाँ पर उड़द की दाल यानी कि माश की दाल मैं यहाँ पर 3 टीस्पून ली थी। इसे भी रात से मैं भिगो कर रख ली हूँ। मूंग की दाल, माश की दाल, नमक, हरिया धनिया, अदरक थोड़ी सी, हरी मिर्ची, लहसुन, करी पत्ता, राय, यहाँ पर थोड़ी सी जीरा और 2 लाल मिर्ची, ये गोल छोटे छोटे 2 लाल मिर्ची। और यहाँ पर दही की चटनी के लिए क्या क्या चाहिए बताती हूँ। हरी मूंग के डोसे के साथ दही की चटनी बहुत अच्छी रहती है। यहाँ पर थोड़ा सा कच्चा नारियल, दही, हरी मिर्ची, यहाँ पर आधी कटी हुई प्याज, थोड़ा सा अदरक, 3 से 4 कलियाँ लहसुन के, यहाँ पर ड्राई चना और हरिया धनिया, ये सब हमें चटनी के लिए चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, हरी मूंग के साथ यहाँ पर उड़द की दाल डालकर हमें पीस लेना है। इसके साथ हमें क्या क्या डालना है ये भी मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले हमें एक जार लेना है। जार में हमें ये जो मूंग भिगा कर रखे हैं, हरी मूंग, इसे डाल लेना है। यहाँ पर मैं 1/4 किलो मूंग ली हूँ। 1/4 किलो के लिए देखिए कितनी सारी होगी, भीगने के बाद ये बहुत सारी होती है। आप डोसा अलग अलग सा खाए होंगे, मूंग का डोसा नहीं खाए होंगे, इसे बनाकर खा कर देखिए। बहुत झटपट बनता है, बहुत क्रिस्पी और बहुत टेस्टी। हमें इतना सा लेना है, थोड़ा थोड़ा करके ही पीसना है इसे। फिर इसमें उड़द की दाल, थोड़ी सी उड़द की दाल, और यहाँ पर 4 हरी मिर्ची, इसे टेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़ी सी अदरक, 4 से 5 कलियाँ लहसुन के, और यहाँ पर हरिया धनिया, आधी मुट्ठी जितना हरिया धनिया। अब इसे हमें पीस लेना है। इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा इसमें नमक। अभी इसे हमें बारीक पेस्ट करना है, यानी कि जैसा डोसे का बैटर रहता है हमें ऐसा इसे पीसना है। यहाँ पर देखिए अच्छे से मैं पीस ली हूँ। यहाँ पर देखिए बहुत बहुत बारीक है, फाइन पेस्ट हो गया है। अभी मैं इसे निकाल लेती हूँ। हमें इतना ही चाहिए, ये देखिए इतना ही चाहिए हमें। यहाँ पर देखिए 1/4 किलो मूंग में, यहाँ पर देखिए 1/2 किलो जितना बैटर हुआ है, ये देखिए इतना गाढ़ा रहना चाहिए। और बहुत मैं बारीक पीस कर रख ली हूँ, जैसे कि आप डोसे का बैटर आता है ना, सेम ऐसे ही इसे पीस लेना। ये देखिए इतना, ये बैटर तैयार हो गया है। अभी हमें चटनी तैयार कर लेंगे। यहाँ पर नारियल, थोड़ा सा कच्चा नारियल, और यहाँ पर ड्राई चना, एक दो टीस्पून जितना ली हूँ मैं ड्राई चना है ये, और हरी मिर्ची, यहाँ पर छोटी है इसीलिए 4-5 मैं मिर्ची ले रही हूँ, छोटी मिर्ची, और यहाँ पर आधी प्याज कटी हुई, अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा, और यहाँ पर लहसुन 4 कलियाँ लहसुन, और हरिया धनिया। इसके साथ हमें इसमें दही को भी डाल लेना है। दही थोड़ा सा मैं इसमें पानी ले रही हूँ। ये चटनी भी बहुत टेस्टी रहती है, मैं बताकर हूँ आपको, ये चटनी भी मैं बताकर हूँ आपको। और यहाँ पर थोड़ा सा नमक, नमक चटनी के हिसाब से आपको जितना चाहिए देखकर आप डाल लीजिए। ये मूंग के डोसे के साथ ये चटनी तो माशाल्लाह मैं क्या बताऊँ आपको, उतनी टेस्टी रहती है। अभी इसे बारीक मैं पीस लेती हूँ। यहाँ पर देखिये दही की चटनी भी तैयार हो गई है। दही, नारियल, ड्राई चना, ये सब जाता है इसमें, मैं बताई हूँ ना। अभी इसे निकाल लेती हूँ। थोड़ा हमें चटनी के लिए तड़का लगाना है, तड़के के लिए भी अभी मैं गैस ऑन कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं चटनी के तड़के के लिए एक पैन रख ली हूँ। इसमें थोड़ा सा तेल, गैस भी ऑन है, थोड़ा सा मैं तेल ले रही हूँ। थोड़ी सी जीरा, और यहाँ पर थोड़ी सी राय। राय को हमें अच्छे से चटकने देना है, क्योंकि तभी पकती है, चटकने से ही वो पकती है, वरना कच्ची कच्ची राय कच्ची कच्ची ही रह जाती है। 2 लाल मिर्च, और यहाँ पर करी पत्ता। यहाँ पर देखिए हो गया है तड़का।
अभी मैं इसमें चटनी में डाल लेती हूँ। अभी चटनी का हो गया है, एक तवे को रख लेती हूँ अभी, क्योंकि हमें डोसा भी बनाना है। यहाँ पर तवे को रख ली हूँ, इसमें थोड़ा सा हमें पानी डालना है, थोड़ा सा बस। इसे एक साफ कपड़ा लेकर इसे हमें अच्छे से इसे पोंछ लेना है। ये हो गया। अभी यहाँ पर डोसे का बैटर, यानी कि मूंग का डोसे का बैटर है। अभी इसे मैं डाल लेती हूँ। जैसे हमें डोसा बनाते हैं ऐसे ही इसे भी बनाना है। ये देखिए, ऐसे जैसा आप डोसा बनाते हो ऐसे ही इसे डालना है। ये देखिए, आपको जितना आपका तवा बड़ा होता है उतना बड़ा आप इसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अभी इसे अच्छे से पकने देंगे। इस पर थोड़ा सा आप चाहे बटर डाल सकते हैं, घी डाल सकते हैं, तेल डाल सकते हैं। मैं तेल का बनाकर बता रही हूँ, थोड़ा सा तेल। अब इसे क्रंची होने हमें छोड़ना है इसे। पर देखिए, ये देखिए कितना आराम से निकल रहा है डोसा। यहाँ देखिए, ये देखिए, यहाँ पर देखिए कितना क्रंची भी बना है। अभी मैं एक एक करके इसे निकाल लेती हूँ, ऐसे ही मैं बना लेती हूँ। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा बना है। ये भी तैयार हो रहा है। ये मूंग के, हरी मूंग के डोसे बहुत हेल्दी हैं और बहुत खाने में बहुत ठंडी भी है और बहुत हेल्दी भी। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है ये। जो बच्चे मूंग चना ये नहीं खाते उनके लिए आप ऐसा बनाकर दे सकते, बहुत हेल्दी है। जो काम पर जाते हैं, जो स्कूल के लिए जाते हैं, सुबह में वक्त नहीं मिलता, उन लोगों के लिए मैं छोटी रेसिपी बनाकर बताई और बहुत हेल्दी है, बहुत टेस्टी है। ये खाने में बहुत टेस्टी है, इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए। आप इसे बनाकर खाकर देखिए, बहुत बहुत अच्छा। आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं जाएगा। एक दिन पहले मूंग को भीगने डालना है, एक दिन पहले ही आप बैटर बनाकर रख लीजिए फ्रिज में। सुबह उठे डाले, चटनी पीसे, टिफिन बॉक्स में दे दिए। ऑफिस को जाना है वो भी दाले लेकर टिफिन में जा सकते हैं। इसे आराम से बनाकर खा सकते हैं और बहुत हेल्दी है, मैं बता रही हूँ बहुत हेल्दी है। इसे जरूर से बनाकर खाइए। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जरूर से कीजिए। जो लोग देख कर हैं, सब्सक्राइब करके हैं, लाइक करना मत भूलिए, जरूर से कीजिए। जो नए हैं सब्सक्राइब और लाइक दो भी कीजिए, जरूर से कीजिए। मैं छोटे छोटे रेसिपी ला रही हूँ बहुत ईजी के लिए, टिफिन नाश्ते के लिए बहुत इजी मैं बनाकर बता रही हूँ आपको। ये देखिए, ये भी तैयार हो गया। मैं ये ऐसे बनाई हूँ डोसा, ये देखिए मैं ऐसे क्रंची क्रंची ऐसे बनाई हूँ। मैं आपको एक टोपी का डोसा बनाकर बताती हूँ कैसे बनाते हैं ये। बहुत से लोगों को मालूम नहीं रहता टोपी का डोसा कैसे बनता है। ये देखिए, इसे बीच में से ऐसे कट करना है हमें, बीच में से इसे ऐसे हमें डोसे को कट करना है। यहाँ पर देखिए कट हो गया है। अभी इसे ऐसा बनाना है, फिर इधर से उठाना है, फिर इसे यहाँ पर देखिए, ये देखिए तैयार हो गया है टोपी का डोसा। यहाँ पर देखिए अभी तैयार हो गया है। अभी ऐसे भी तैयार हो गए हैं, यहाँ पर टोपी का भी तैयार हो गया है, चटनी भी तैयार हो गई। अभी मैं आपको प्लेट में निकाल कर बताती हूँ। देखिए अभी मैं चटनी निकालकर आपको बताती हूँ। इस डोसे के साथ ये दही और नारियल की चटनी बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी रहती है। यहाँ पर देखिए डोसा भी मैं निकालकर आपको बता रही हूँ। देखिए मैं निकालकर भी बताती हूँ। यहाँ पर देखिए डोसा कितना अच्छा बना है, बहुत हेल्दी है, खाने में उतना ही टेस्टी रहता है, बहुत टेस्टी रहता है खाने में। आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए। आप जो चीज़ भी ट्राई करने से ही आती है। ये देखिए डोसा तैयार हो गया, चटनी तैयार हो गई है। यहाँ पर चटनी काढ़ी हूँ, यहाँ पर टोपी का डोसा भी है और यहाँ पर सादा मैं जो प्लेन बनाते हैं वो डोसा बनाई हूँ। ये बहुत टेस्टी रहता है, मैं बता रही हूँ ना, बहुत टेस्टी रहता है खाने में। आप लोगों को पता नहीं होगा ये कैसे बनता है, मैं बनाकर बताई हूँ। इसे ज़रूर से खाकर देखिए और मैं ट्राई भी कर दिखाती हूँ आपको खाकर भी। यहाँ पर देखिए मैं खाकर भी आपको बताती हूँ। यहाँ पर चटनी और यहाँ पर डोसा, ये देखिए कितना अच्छा बना है। यहाँ पर देखिए ये सच में बहुत टेस्टी रहता है, हमारे घर में सभी को पसंद आता है।
जो सिंपल रेसिपी बोले थे इसीलिए मैं आज बताई हूँ ये। आप लोगों को भी, आप लोगों के घर में भी सभी को बहुत पसंद आता है, आएगा ये सही सच में। अरफा खाकर बता, अरफा खाकर बता, ले अरफा खाकर बता, कैसा लगा बोलो, खाकर बोलो कैसा लगा। बहुत बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है ये चटनी भी, बहुत टेस्टी है। यहाँ पर देखिए अब आप भी खाइए। माशाल्लाह बहुत बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी है ये। इसे जरूर से ट्राई कीजिए, हमारे घर में सभी को पसंद है। जिसे नहीं मालूम है वो जरूर से इसे बनाकर खाइए। हरी मूंग का डोसा जरूर से बनाकर खाइए, इसे बहुत बहुत टेस्टी। और मूंग का डोसा भी नहीं लग रहा है, ये नॉर्मल डोसे के जैसा ही है। क्रंची बहुत अच्छा रहता है। ये देखिए आज मैं हरी मूंग का डोसा और दही की चटनी, दही मतलब नारियल ड्राई चना इसमें जाता है, बाकी सब आपको बता कर हूँ मैं। ये बहुत अच्छी रहती है, मूंग के डोसे में बहुत बहुत अच्छी रहती है, बहुत टेस्टी लगता है दोनों भी, और खाने में इतना मजा का लगता है, एक की जगह आप चार भी खा सकते हैं, उतना टेस्टी रहता है। मुझे कमेंट्स में बोले थे सिंपल रेसिपी नाश्ते के लिए बताइए, दीदी आंटी कुछ भी बोल सकते हैं मुझे, बनाकर बताइए। मैं सिंपल रेसिपी, कल से मैं सिंपल रेसिपी ही डाल रही हूँ आप लोगों के लिए, झटपट बनता है। आप मूंग एक दिन पहले भिगो लेना, पीस कर आप फ्रिज में रख सकते हैं, इसका बैटर बनाकर फ्रिज में रखकर आप दूसरे दिन सुबह में आराम से इसे बनाकर, आपका टाइम भी बच जाएगा, बहुत टेस्टी है, बच्चों के लिए हेल्दी भी है। इसे जरूर से बनाइए, खाइए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। कल फिर मैं मिलूंगी नई रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज।